हेडिंग बनाइए बच्चों, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, बहुत अच्छे से सीखिएगा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, समझिएगा। सारे बच्चे ध्यान देंगे, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को शॉर्ट में हम लोग बोलेंगे बीटीपी। क्या बोलेंगे बच्चों? बीटीपी। नाम से ही क्लियर है कि तीन वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है, तीन वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है और जो आना चाहिए वो एक वेक्टर आना चाहिए, वो था स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तीन वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है और स्केलर आना चाहिए। तो यहां पे हम लोग ये करते हैं बच्चों कि दो वेक्टर का क्रॉस लेते हैं, दो वेक्टर का क्रॉस लेते हैं, है ना, और जो आएगा उसको तीसरे के साथ भी क्रॉस कर दें। तो दो वेक्टर का क्रॉस एक वेक्टर, और फिर दो वेक्टर का क्रॉस एक वेक्टर, तो ये पूरी क्वांटिटी वेक्टर है, इसलिए इसको बोलते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। या पहले हम बी और सी का क्रॉस ले लें और तब ए का क्रॉस करें, बी और सी का क्रॉस ले लें तब उसको ए के साथ क्रॉस करें, इसको भी हम लोग कहेंगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ए क्रॉस बी क्रॉस सी या ए क्रॉस बी क्रॉस सी को हम लोग कहते हैं बच्चों वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। लेकिन ध्यान दीजिएगा, वहां पे बताए थे कि ए डॉट बी क्रॉस सी और ए क्रॉस बी डॉट सी बराबर होता है, लेकिन यहां पे बच्चे बराबर नहीं होगा, यहां पे बच्चे ए क्रॉस बी क्रॉस सी और ए क्रॉस बी क्रॉस सी बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं बराबर होगा उसको समझेंगे अभी हम लोग, क्यों नहीं बराबर होगा। तो बच्चों लिखेंगे डेफिनेशन इसका, बात समझ में आ रहा है? हेडिंग का नाम क्लियर है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा इसको, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा आज के क्लास में। तो तीन वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है और जो क्वांटिटी आना चाहिए वो वेक्टर आना चाहिए, इसीलिए इसका नाम है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। और मेरे पास तीन वेक्टर है तो पहले हम ए और बी का क्रॉस कर दें, एक वेक्टर होगा, और उसको सी के साथ क्रॉस कर दें तो वेक्टर मिलेगा, या ब्रैकेट का काम पहले बी और सी का क्रॉस करें, ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालें, वो भी वीटीपी कहलाएगा। लेकिन ए क्रॉस बी क्रॉस सी और ए क्रॉस बी क्रॉस सी दोनों अलग क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, दोनों सेम नहीं होगा मेरे बच्चे। डेफिनेशन लिखेंगे साथ साथ, इफ ए बी सी आर थ्री वेक्टर्स, ए बी सी आर थ्री वेक्टर्स, आर थ्री वेक्टर्स, थ्री वेक्टर्स, देन ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी एंड ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस सी आर नोन एज वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, आर नोन एज वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो क्या बोलेंगे बच्चों? वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलेंगे, है ना बच्चों? वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, बहुत अच्छे से समझना, मैं विथ डेरिवेशन बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, सिर्फ फॉर्मूला रटने से नहीं होगा। ए क्रॉस बी क्रॉस सी या आपका ए क्रॉस बी क्रॉस सी को बोलते हैं बच्चों वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं। अब इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझते हैं कि आखिर है क्या, पर इतना समझ गया कि हाँ वेक्टर आएगा, तीन वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और वेक्टर आ रहा है, दोनों वीटीपी कहलाएगा लेकिन दोनों बराबर नहीं होगा, ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर रहा हूं। क्यों नहीं होगा अब समझते हैं, पहले हम लोग इसको समझते हैं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी को, ब्रैकेट किस पे लगा हुआ है ध्यान से ध्यान दे दीजिएगा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी को एनालिसिस करते हैं, एक का एनालिसिस करते हैं, ये खुद आप समझ जाइएगा, बहुत अच्छे समझना बच्चों। एक प्लेन है मेरा, मैं विथ डेरिवेशन बता रहा हूं, सुनेंगे दो गौर से, एक प्लेन है बच्चों, इसमें आपके पास दो वेक्टर है बी और सी, बी और सी इसमें एंजॉय कर रहा है, इस प्लेन में है, बी और सी इस प्लेन में है, तो बी और सी वेक्टर है इस प्लेन में, साथ साथ लिखिएगा। आपको इतना पता चला गया कि सर बी क्रॉस सी जो होगा ना सर, वो इस पे एकदम परपेंडिकुलर होगा, जो बी पर भी परपेंडिकुलर होगा और सी पर भी परपेंडिकुलर होगा, इतना बात समझ गया बच्चों? बी क्रॉस सी जो वेक्टर आएगा
वो बी पर भी परपेंडिकुलर होगा और वो सी पर भी परपेंडिकुलर होगा, हाँ या ना मेरे बच्चे, दोनों पे परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक ऐसा वेक्टर मुझे बनाना है जो ए के साथ क्रॉस, ए कहीं हम लोग ले लेते हैं इस प्लेन में नहीं, ए कहीं हम लोग दूसरा वेक्टर लेते हैं, फिगर को अच्छे से बनाइएगा, ए कोई वेक्टर ले लिए बच्चों, बी और सी जिसमें ब्रैकेट लगा हुआ है, ध्यान सुनिएगा, जिसमें ब्रैकेट लगा हुआ है उसको एक प्लेन में रखना है, तो यहां पे ए और बी प्लेन में होगा, सी अलग होगा, तो यहां पे ए अलग ले लिए। अब ए क्रॉस बी क्रॉस सी को इसको एक पी नाम देते हैं, पी वेक्टर, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो अब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी एक वेक्टर होगा, इज ए वेक्टर होगा जो किस पे परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर टू, बोलिए, परपेंडिकुलर टू ए एंड बी क्रॉस सी, जो ए पर भी परपेंडिकुलर हो और बी क्रॉस सी पर भी परपेंडिकुलर हो। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ध्यान से सुनना, ए क्रॉस बी क्रॉस सी एक वेक्टर होगा जो ए पर भी परपेंडिकुलर होगा और बी क्रॉस सी पर भी परपेंडिकुलर होगा। तो बी और सी पे परपेंडिकुलर कौन है, बी क्रॉस सी, और फिर से इस पर परपेंडिकुलर ले लेंगे तो फिर तो ये यही प्लेन में आ जाएगा, इसी बात को समझना है, फिर से ये इसी प्लेन में आ जाएगा, अरे फिर से इस पे परपेंडिकुलर लेंगे, पहले ये दोनों पे परपेंडिकुलर लिए तो बी क्रॉस सी, अब फिर से बी क्रॉस सी और ये दोनों पे परपेंडिकुलर, मतलब ये इस पे भी परपेंडिकुलर होगा ब्लू वाला वेक्टर और ये ए के साथ भी 90 बनाएगा, दोनों पे परपेंडिकुलर, तो फिर से तो तुम उसी प्लेन में आ गए ना बच्चों। तो पी जो वेक्टर होगा, ध्यान सुनना, जो पी वेक्टर होगा वो है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, वो तुम्हारे उसी प्लेन में होगा जिस प्लेन में तुम्हारा पहले से बी और सी बैठा हुआ था, फिर से तुम घूम के वही आ गए, फिर से उसका परपेंडिकुलर ले लिए तो वही आ गए, है ना। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी एक वेक्टर होगा जो परपेंडिकुलर होगा ए और बी क्रॉस सी पे, और यहां लिखोगे कि बी क्रॉस सी जो है, बट बी क्रॉस सी एक वेक्टर है, इज ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ, परपेंडिकुलर टू द प्लेन B and C, perpendicular to the plane B and C. यहां तक बात समझ में आ रहा है? फिर से तुम इसमें क्यों आ गए? मतलब A cross B cross C फिर से उसी प्लेन में क्यों आ गया? जिस प्लेन में B और C था, क्योंकि B cross C पर भी perpendicular होगा और A कहीं भी होगा उस पर भी perpendicular होगा, तो फिर से हम उसी प्लेन में आ गए जिस प्लेन में B और C है। बड़े बच्चों यहां से, बड़े बच्चों, यानी ध्यान सुनिएगा, यानी जो मेरा वेक्टर P है, ध्यान सुनिएगा, यानी जो मेरा वेक्टर P है ना, वेक्टर P मस्ट लाई इन द प्लेन, मस्ट लाई इन द प्लेन, किस प्लेन में लाई करेगा, उसी प्लेन में लाई करेगा बच्चों जिस प्लेन में B और C पहले से बैठा हुआ था, हाँ या ना मेरे बच्चे, वेक्टर P उसी प्लेन में आ जाएगा जिस प्लेन में B और C पहले से बैठा हुआ था, यानी P वेक्टर जो है, P वेक्टर जो है वो है A क्रॉस B क्रॉस C, और आपको पता है कि तीन वेक्टर यदि को प्लानर होता है, तीन वेक्टर यदि को प्लानर होता है तो किसी एक को रेस्ट दो के, किसी एक को रेस्ट दो के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। P वेक्टर, सुनना फिगर को देखना, P वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर को प्लेनर है, तो P वेक्टर को B और C के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, स्टार्टिंग में ही हुआ था XB प्लस YC, फॉर्मूला डिराइव करना चाहते हैं और विथ डेरिवेशन बता रहे हैं इसलिए अच्छे से समझना। तो P वेक्टर को हम लोग B वेक्टर और C वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। मैं एक फॉर्मूला डिराइव करना चाहता हूं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकलेगा कैसे, जैसे ए डॉट बी कैसे निकलता था, ए क्रॉस बी कैसे निकलता था, एबीसी का एसटीपी कैसे निकलता था, वैसे इसको कैसे निकालेंगे, इसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है बच्चों, वही फॉर्मूला हम डिराइव करना चाह रहे हैं, और दूसरा विथ डेरिवेशन इसलिए बता रहे हैं इससे आपको ये फील आना चाहिए कि हाँ, पी वेक्टर फिर से उसी प्लेन में आ जाएगा जिस प्लेन में बी और सी है, बी प्लेन में बी और सी है। चलिए अब एक्स और वाई निकालने के लिए हम लोग डॉट ले लेते हैं, पी डॉट ए, दोनों साइड ले लेते हैं बच्चों, पी डॉट ए,
पी डॉट ए, क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा एक्स ए डॉट बी, डॉट में कहीं भी लगा दे कोई दिक्कत नहीं, क्रॉस परेशान करता है, और वाई आ जाएगा बच्चों ए डॉट सी, ए डॉट सी, ए डॉट सी, है ना। तो P डॉट A कितना होगा बच्चों, देखो P वेक्टर और A वेक्टर परपेंडिकुलर है ना, तो P डॉट A कितना हो जाएगा, P डॉट A कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो गया, अब आप जान चुके हैं कि P परपेंडिकुलर है A पर, P और A परपेंडिकुलर है, उसका डॉट प्रोडक्ट जीरो, तो ये टर्म जीरो हो जाएगा मेरे बच्चे। तो यहां से आ जाएगा x, x A डॉट B इक्वल टू माइनस ऑफ वाई ए डॉट सी, बोलना बच्चों, बोलना जरूरी है, माइनस ऑफ वाई ए डॉट सी, पी डॉट ए जीरो। चलिए अब हम लोग को एक्स वाई निकालना मेन टारगेट है, बोले सर एक्स वाई का जुगाड़ हो जाए तो फॉर्मूला तो बन जाएगा, पी वेक्टर का आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा। एक सेकंड के लिए नीचे कीजिएगा सर, क्या थोड़ा नीचे कीजिएगा एक सेकंड के लिए, हाँ नोट कीजिए, इतना स्लो बता रहे हैं फिर भी तो इसको यहां से सेट करते हैं, x डिवाइडेड a डॉट सी और यहां से हो जाएगा बच्चों y डिवाइडेड माइनस y डिवाइडेड a डॉट b, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा लैम्डा के बराबर हो जाएगा। x और y निकालना है, दो निकालना है, एक ही रिलेशन है, तो x इक्वल टू आ जाएगा बच्चों लैम्डा टाइम्स a डॉट c, लैम्डा टाइम्स a डॉट c, और y आ जाएगा मेरे बच्चे माइनस लैम्डा टाइम्स a डॉट b, माइनस लैम्डा टाइम्स a डॉट b, है ना। और a x निकल जाएगा, y निकल जाएगा लैम्डा के टर्म में, तो यहां से वैल्यू आ जाएगा, है ना। अब x का वैल्यू और y का वैल्यू हम लोग 1 में पुट कर देते हैं, 1 में पुट कीजिए, तो 1 में जब पुट करेंगे मेरे बच्चे तो a क्रॉस b क्रॉस c का एक फॉर्मूला आएगा, a क्रॉस b क्रॉस c का एक फॉर्मूला आएगा, क्या आ जाएगा, x के जगह क्या पुट करेंगे बच्चों, lambda a डॉट c, और वहां पे lambda का कॉमन ले लीजिए, तो ये आ जाएगा a डॉट c, सीखिएगा अच्छे से, a डॉट c into b माइनस, और यहां पे आ जाएगा a डॉट b into c, a डॉट b into c। बोलेगा सर lambda तो निकला नहीं, एक वैन नोन दिख रहा है lambda, कहीं से lambda का जुगाड़ हो जाए तो काम हो जाएगा, है ना बच्चों। x भी निकल गया lambda के टर्म में और y भी निकल गया lambda के टर्म में, x भी निकल गया lambda के टर्म में और y भी निकल गया lambda के टर्म में। अब xy का वैल्यू हमको पता चल गया, लेकिन एक चीज परेशान कर रहा है, वो है लैम्डा। तो लैम्डा निकालने के लिए हम लोग क्या स्ट्रेटजी यूज करेंगे वो समझते हैं, लैम्डा निकालने के लिए हम लोग क्या स्ट्रेटजी यूज करेंगे वो समझते हैं। तो लैम्डा निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, हम लोग अपने मन से, ध्यान सुनिएगा, हम लोग अपने मन से ए बी सी को एक वैक्टर मान लेंगे। सबसे आसान क्या होता है, आईजे के होता है, सबसे आसान क्या होता है बच्चों, आईजे के, ये होगा लेट अस अज्यूम। लैम्डा निकालने के लिए मुझे तीन वेक्टर चाहिए था, तो मैं अपने मन से ए वेक्टर को आई कैप मान रहा हूं लैम्डा निकालने के लिए, और बी वेक्टर को भी आई कैप मान रहा हूं सेम, और सी वेक्टर को मान लेते हैं जे कैप, दो को सेम मान लिए, आई आई और जे मान लिए। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, अब ध्यान दीजिएगा, सारे वैल्यू को हम इतनी आई आई जे मान रहे हैं, क्योंकि यहां पर सब्स्टिट्यूट करके हम इसको निकाल लेंगे, इसको मानते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ये जो भी नंबर देना है दे दो, 2 दे दो, क्वेश्चन नंबर 2 में सबको सब्स्टिट्यूट कर दो बच्चों। तो यहां पे आ जाएगा आई क्रॉस, ध्यान से सुनना, लैम्डा निकालना इंपॉर्टेंट है, आई क्रॉस जे, एबीसी की जगह पुट करना है, लैम्डा बाहर है वेट कर रहा है, अंदर में ए डॉट सी यानी आई डॉट जे, और बी की जगह फिर से आई, माइनस ए डॉट बी आई डॉट आई और इंटू सी के जगह जे। हमको यहां से क्या कैलकुलेट करना है बच्चों, लैम्डा, लैम्डा, लैम्डा निकल जाएगा तो काम हो जाएगा। लैम्डा निकालने के लिए ही हम लोग ये अपने मन से लेट अस अज्यूम किए हैं, सब्स्टिट्यूशन किए हैं, आई जे के, तो ये हो जाएगा आई क्रॉस के
आई क्रॉस के, आई डॉट जे जीरो, ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा मेरे बच्चे, ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, आई डॉट आई वन होता है, ये हो जाएगा माइनस लैम्डा जे, आई के, आई के क्या हो जाएगा, आई के हो जाएगा माइनस जे, तो यहां से लैम्डा आ जाएगा मेरे बच्चे वन, लैम्डा का वैल्यू मैंने इतना मेहनत करके जो निकाला वो आ गया वन, लैम्डा वन आ गया। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर दो बच्चों यहां पे क्वेश्चन नंबर टू में, तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी आ जाएगा मेरे बच्चे, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, लैम्डा का जगह वन आ गया, तो ये आ जाएगा ए डॉट सी इंटू बी, है ना, माइनस माइनस ए डॉट बी इंटू सी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। यानी वीटीपी में आपको कुछ नहीं करना है, वीटीपी में आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, इसी से आपको सारा सवाल बन जाएगा। डायरेक्ट में भी फॉर्मूला लिख दे सकते थे, लेकिन वो फील नहीं आता कि कैसे उस प्लेन में लाई कर रहा है और उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। और मैंने विद प्रूफ बता दिया कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालने का आपके पास फॉर्मूला क्या है बच्चों, ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी। क्लियर हो रहा है? अब ए क्रॉस बी क्रॉस सी और ए क्रॉस बी क्रॉस सी दोनों का मतलब सेम होता है कि डिफरेंट होता है बच्चों? दोनों का मतलब डिफरेंट होता है। उस फॉर्मूला को याद कैसे रखेंगे मेरे बच्चे? अब इसको याद रखने का क्या तरीका है? ब्रैकेट तो आपको ये है कि ब्रैकेट किसके आगे लगा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम लोग दोनों फॉर्मूला को समराइज करते हैं और इसको याद करने का तरीका भी सीखते हैं। तो दो फॉर्मूला यहाँ पे आएगा बच्चों, एक आएगा आपको ए क्रॉस बी क्रॉस सी और यहां पे आएगा ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ब्रैकेट बदल जाएगा तो कहानी बदल जाएगा, ध्यान दीजिएगा। याद करने का तरीका क्या है? दूर वाला ए मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में, इससे दूर कौन है? सी दूर है, तो ए डॉट सी, ध्यान दीजिएगा याद करने का तरीका, दूर वाला ए डॉट सी और बाकी क्या बचा? बी बचा नजदीक में था, माइनस अब ये हो चुका है तो ये इसके साथ जाएगा, ए डॉट बी बहुत सवाल आ रहा है इसे इंटू सी, ए डॉट बी इंटू सी, याद हो गया, यही ना फॉर्मूला था, डायरेक्ट भी याद करा सकते। यहां पे कैसे करेंगे? ब्रैकेट में जो दूर होगा उसको लेंगे, तो ए जिसके साथ ब्रैकेट है उसमें दूर वाला, तो इसको इसको लेंगे साथ में पहले, तो ए डॉट सी, ए डॉट सी इंटू बी माइनस, अब इस ब्रैकेट में जो नजदीक है बी डॉट सी इंटू ए। क्या ये दोनों वैल्यू बराबर आ रहा है? नहीं आ रहा है, ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं है, ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं है। यानी ए क्रॉस बी, यहां से कंक्लूजन क्या आया मेरे बच्चे कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल नहीं होता है ए क्रॉस बी क्रॉस सी के। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि ए क्रॉस बी क्रॉस सी एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है ना, जो बी और सी के प्लेन में होगा, जो ब्रैकेट लगाता है उस प्लेन में आगे गिर जाता है फिर से भाई, और ए क्रॉस बी क्रॉस सी उस वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा जो ए और बी के प्लेन में होगा और सी पे परपेंडिकुलर होगा। ये चीज समझ गया ना? वीटीपी समझ गया। ए क्रॉस बी क्रॉस सी एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा जो बी और सी के प्लेन में होगा और ए पर परपेंडिकुलर होगा, और ए क्रॉस बी क्रॉस सी एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा जो ए और बी के प्लेन में होगा और सी पे परपेंडिकुलर होगा। दो वेक्टर के प्लेन में होगा, तीसरे वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। जो ब्रैकेट में है उसके प्लेन में होगा और जो बचा हुआ है उस पे परपेंडिकुलर होगा। ये वेक्टर को कैसे बोलेंगे? ये इस वेक्टर को बोलेंगे कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा जो बी और सी के प्लेन में होगा और ए के परपेंडिकुलर होगा। है ना बच्चों? है ना? मतलब जिस पे ब्रैकेट लगा हुआ है वो उसके प्लेन में होगा। तो नीचे लिखिएगा कि आपका ये कंक्लूजन आ गया कि ये दोनों बराबर नहीं होगा। एक फॉर्मूला याद रखना है, पहला काम आपको क्या क्या करना है इसमें, ये दोनों फॉर्मूला याद रखना है। याद करने का ट्रिक समझ के, दूर वाला ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी और ए डॉट सी इंटू बी माइनस बी डॉट सी इंटू ए। और एक कंक्लूजन क्या लिखना है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी और ए क्रॉस बी क्रॉस सी दोनों बराबर नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए। ज्योमेट्रिकली समझो ना यार,
कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है जो बी और सी के प्लेन में है, बी और सी के प्लेन में है और ए पर परपेंडिकुलर है, और ये एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है जो ए और बी के प्लेन में है और सी के परपेंडिकुलर है। लेकिन कभी तो ऐसा सिचुएशन होगा कि दोनों बराबर हो सकता है, जनरली बराबर नहीं होता इन जनरल, लेकिन कुछ कंडीशन आ जाए तब दोनों बराबर हो जाए। वो कंडीशन एग्जाम में पूछता है कि कब ये दोनों बराबर हो सकता है, क्या कभी बराबर हो सकता है कि नहीं, और हो सकता है तो आप उस कंडीशन को बताइए बच्चों जब बराबर हो जाए। बीम दिखने के बाद इसके नीचे लिखेंगे बच्चों, इफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी बराबर हो जाए, ध्यान सुनिएगा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी के एक कुछ कंडीशन लगा दें, यदि हम लोग ऐसा कुछ कंडीशन लगा दें कि दोनों बराबर हो जाए, जनरली बराबर नहीं होता, इन जनरल बराबर नहीं होता, लेकिन कुछ खास कंडीशन को वेक्टर फुलफिल करेगा तो ये बराबर हो सकता है। मुझे वो कंडीशन निकालना है कि सर कैसे ये दोनों बराबर हो जाएगा, तो इसको बराबर करके एक कंडीशन निकालते हैं, उस कंडीशन को समझते हैं। इसका फॉर्मूला डालिए यहाँ पे, इसका फॉर्मूला डालिए मेरे बच्चों, ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी, और इसका वैल्यू है ए डॉट सी इंटू बी, बराबर करके कंडीशन निकाल रहे हैं और ये एग्जाम में आता है बी डॉट सी इंटू ए, ऑप्शन में डाल देगा, है ना, किस कंडीशन को फुलफिल करेगा तो आपका होगा। तो यहां से मेरे बच्चे ये और ये कैंसिल आउट, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से क्या आ जाएगा बच्चों, ए ए इधर आएगा तो प्लस बन जाएगा ना, ए डॉट बी इंटू सी प्लस, माइनस भी कैंसिल हो जाएगा ना, ए डॉट बी इंटू सी, ठीक है, और बी डॉट सी इंटू ए, ए डॉट बी इंटू सी और बी डॉट सी इंटू ए इक्वल होगा, और इधर आएगा तो माइनस बन जाएगा बी डॉट सी इंटू ए। इसको देख के कुछ लग रहा है क्या, सर ये किसी का फॉर्मूला है इक्वल टू जीरो, ये वीटीपी का फॉर्मूला है, ये दोनों को जब बराबर किए तो ये वीटीपी का फॉर्मूला आ गया बच्चों, और ये वीटीपी का कौन सा फॉर्मूला है, ए क्रॉस सी क्रॉस बी, दूर वाला ना, ऐसे लिख सकते हैं क्या इसको, देखो तो ए दूर वाला ए डॉट बी इंटू सी और बी डॉट सी इंटू, मतलब यदि ए क्रॉस बी क्रॉस सी और ए क्रॉस बी क्रॉस सी बराबर होगा तो इतना बराबर जीरो आ रहा है, इतना बराबर जीरो, क्या दो वेक्टर का क्रॉस जीरो कब होता है, दो वेक्टर का क्रॉस जीरो कब होता है, यानी या तो बी जीरो हो, बी ही जीरो हो जाए, या ए क्रॉस बी जीरो हो जाए, ए क्रॉस सी जीरो हो जाए, ए क्रॉस सी जीरो हो जाए, है ना बच्चों, जब ए क्रॉस सी जीरो हो जाएगा बच्चों, ए क्रॉस सी जीरो हो जाएगा तो ए एंड सी आर कॉलिनियर, ए एंड सी आर कॉलिनियर, ए एंड सी आर कॉलिनियर, तो ए और सी कॉलिनियर हो जाएगा, मतलब दोनों वेक्टर को बराबर होने का कंडीशन क्या आएगा बच्चों, ए एंड सी आर कॉलिनियर, दोनों बराबर है तो ए एंड सी कॉलिनियर होगा, और क्रॉस प्रोडक्ट जीरो कब होगा, जब बी परपेंडिकुलर होगा दोनों पे, ए पर भी और सी पर भी, ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा, तो यहां से आपका कंक्लूजन क्या आया, कंक्लूजन क्या आया कि ये दोनों वेक्टर बराबर तब होगा, है ना, जब ए एंड सी आर कॉलिनियर, पहला कंक्लूजन आया, बराबर होगा तो ए एंड सी आर कॉलिनियर होगा, तीन वेक्टर था ना तुम्हारे पास ए बी सी, उसमें से ए और सी क्या हो जाए, कॉलिनियर हो जाए, और दूसरा कंडीशन क्या होगा, बी इज परपेंडिकुलर टू बोथ, बी इज परपेंडिकुलर टू बोथ बोथ ए एंड सी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा है, और बी दोनों पे परपेंडिकुलर हो जाए ए और सी पे, ए और सी दोनों पे, ए क्रॉस सी और बी पैरेलल हो जाएगा तो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, तो ये दोनों कंडीशन आपको याद रखना, जनरली ए क्रॉस बी क्रॉस सी और ए क्रॉस बी क्रॉस सी बराबर नहीं होता है, बराबर नहीं होता है,
लेकिन यदि बराबर है, यदि बराबर है तो इस कंडीशन को फुलफिल, यहाँ पे क्रॉस लगाइएगा, यहाँ पे छूट गया था, तो यहाँ पे ये दोनों कंडीशन आपको याद रखना है, याद रखना है। थोड़ा सा और इसमें है, सवाल पे आते हैं, कितना दिमाग में गया? अब एक नोट पर लिखना मेरे बच्चे, कंडीशन क्लियर हो गया। जनरली ए क्रॉस बी क्रॉस सी बराबर नहीं होता है, लेकिन बराबर है तो या तो ये कंडीशन को मानेगा या तो ये कंडीशन को मानेगा, दोनों में से कोई एक हो जाए तो काम चल जाएगा। चलिए नोट पॉइंट समझते हैं, नोट पॉइंट समझते हैं, सवाल पे आते हैं, समझते हैं। ए क्रॉस, फर्स्ट नोट पॉइंट, ए क्रॉस बी क्रॉस सी से क्या फीलिंग ली है अभी तुम लोग? ए क्रॉस बी क्रॉस सी से क्या फीलिंग ली है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो है वो एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है जो बी और सी के प्लेन में है और ए पर परपेंडिकुलर है कि नहीं? तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दोज वेक्टर, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दोज वेक्टर्स विच आर इन ब्रैकेट, दोज वेक्टर्स विच आर इन ब्रैकेट, है ना? मतलब किसके प्लेन में होगा? जो ब्रैकेट में है, विच आर इन ब्रैकेट। जनरल कर दिए, यानी ए क्रॉस बी क्रॉस सी बी और सी वेक्टर के प्लेन में होगा, और तीन वेक्टर जब कोप्लेनर होता है तो किसी एक को रेस्ट दो के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। नोट पॉइंट टू समझते हैं मेरे बच्चे, नोट पॉइंट टू समझते हैं कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी एक वेक्टर है ना, इसको पी मान लो, इस पी वेक्टर को क्या बोलोगे, किसके प्लेन में होगा और किसके परपेंडिकुलर होगा, जल्दी बताओ। पी इज परपेंडिकुलर टू, पी इज परपेंडिकुलर टू ए एंड लाई इन प्लेन, एंड लाई इन प्लेन, बोलो, प्लेन ऑफ बी एंड सी, बी क्रॉस सी नहीं, बी एंड सी, बी और सी जिस प्लेन में होगा उस प्लेन में लाई करेगा और ए के परपेंडिकुलर होगा। इतना थ्योरी था बच्चों आपका वीटीपी का, वीटीपी का। हाँ आया ना समझे बच्चे, आया बात समझ में? यस सर। पक्का? यस सर। फिर से एक बार देखना है कि आगे बढ़े, फिर से एक बार, एक बार फिर से सर, एक बार फिर से, जल्दी से समझिए, एक बार जल्दी से देखिए, क्विक, फिर से समझिएगा बच्चों। हम लोग आज पढ़े हैं वीटीपी, वीटीपी में देखे कि आपको तीन वेक्टर का प्रोडक्ट करना है और जो आए, दिमाग खोल के सुनना, जो आए वो एक वेक्टर होना चाहिए। तो वेक्टर बनाने का तरीका है कि दो का क्रॉस और फिर जो आया उसको तीसरे के साथ क्रॉस, या पहले एक और बी का क्रॉस ले ले तब सी के साथ ले, या बी और सी का करके तब ए क्रॉस बी क्रॉस सी करें, दोनों कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं। अब वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को समझते हैं कि ज्योमेट्रिकली आखिर ये चीज जो निकाले वो हमको क्या दिया, वो हमको दिया ए क्रॉस बी क्रॉस सी एक वेक्टर होगा जो ए और बी क्रॉस सी दोनों पे परपेंडिकुलर होगा, जो ए पर भी परपेंडिकुलर होगा और बी क्रॉस सी पर भी परपेंडिकुलर होगा, और बी क्रॉस सी एक वेक्टर होगा जो बी और सी दोनों पे परपेंडिकुलर होगा। इस फिगर को समझते हैं अच्छे से, बी और सी वेक्टर प्लेन में लाई कर रहा है तो बी क्रॉस सी जो होगा इस पर परपेंडिकुलर लाई करेगा, ए बेचारा कहीं भी होगा। अब ए और बी क्रॉस सी दोनों पे परपेंडिकुलर बनाना है तो इसका परपेंडिकुलर तो फिर से इस प्लेन में ही आ जाएगा, इसी प्लेन में, और ए का भी परपेंडिकुलर भी इसी प्लेन में, दोनों का परपेंडिकुलर, तो फिर से जो पी वेक्टर आएगा वो बी और सी के प्लेन में ही आ जाएगा। ये बात को फील करना है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो होगा, बस इतना याद रखो कि जो बी और सी है ना इसी के प्लेन में होगा और इस पर ए पर परपेंडिकुलर होगा। इतना समझ गए तो वीटीपी समझ गए। अब डेरिवेशन है, डेरिवेशन में हमने क्या किया कि हाँ तीन वेक्टर यदि को प्लानर है तो किसी एक को रेस्ट दो के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, उसके बाद ए के साथ डॉट कर दिए और डॉट करने के बाद यहां से लैम्डा का टर्म में निकालें, और लैम्डा निकालने के लिए आई और जे को, बी को, ए और बी को जे कर दिए और सी को जे करके यहां से लैम्डा का वैल्यू जब कैलकुलेट किए तो 1 आया मेरे बच्चे। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी का एक फॉर्मूला आ गया आपके काम का चीज यहां से,
डेरिवेशन नहीं, वो ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझना जरूरी था और आपके काम का चीज है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी का मतलब दूर वाला याद करने का तरीका है ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी, और ये दोनों जनरली बराबर नहीं होता है, ये दो फॉर्मूला आपको याद रखना है। और उसके बाद यदि बराबर होगा तब, हम बोले कि जनरली बराबर नहीं होता, लेकिन यदि बराबर होगा तो इस कंडीशन को फुलफिल करेगा, एक कंडीशन आपको याद रखना है, यदि ये दोनों बराबर हुआ तो ए और सी कॉलिनियर होगा, या दूसरा बी इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड सी होगा, दोनों में से कोई कंडीशन को मान ले तो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, आपका इक्वल हो जाएगा। उसके बाद मैंने बताया कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी एक लीनियर कॉम्बिनेशन होता है वेक्टर का, जो ब्रैकेट के अंदर होता है, क्योंकि इसी प्लेन में लाई करता है, इसके प्लेन में लाई करता है बी और सी के, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है कि बी और सी के प्लेन में लाई करेगा। और हाँ बोलो 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 सर, आपने सर लैटिस निकालने के लिए सर ए वेक्टर को आई और बी वेक्टर को आई क्यों माना गया? जनरली कोई सिचुएशन ले लिया, इसमें वो ये नहीं था, लैम्डा निकालने के लिए हमको ऐसा लेना था कि जिससे इजी वे में निकल जाए, डेरिवेशन का पार्ट है वो, लैम्डा निकालने के लिए हम आई और को इजी में लिए, तुम अलग अलग टिपिकल टिपिकल वेक्टर लोगे तो क्रॉस निकालोगे, उसका डॉट निकालोगे तो लेंदी होगा, है ना, यहाँ पे सारा ए बी सी का डॉट क्रॉस निकालना है ना, वो लेंदी होगा, वो लेंदी से बचने के लिए, कैलकुलेशन से बचने के लिए सिंपल लेंगे, है ना, आई जे के भी लेते तो टिपिकल रहता, सिंपल सिचुएशन लेकर के हमने लैम्डा को कैलकुलेट कर दिया, एक के लिए ट्रू है तो सबके लिए ट्रू हो जाएगा, ठीक है, जनरल है तो लैम्डा का वैल्यू वन आ गया। तो यहां से आगे बच्चों सवाल पे आए, बच्चों चलिए